हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीसीटी के न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले अभी आपको बताया था कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीसीटी की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि 7 वर्ष के लिए आपका जो स्कोर कार्ड था वह वैलिड हो गया है। वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर क्या हमारा भी वैलिड है जिनने पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो उसका आंसर था कि भाई आपका जब भी आपने इसको किया है, सीपीसीटी को पास आउट किया है 2015 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यदि आपने पास आउट किया है तो आपका वैलिड हो गया है 7 साल के लिए। सेकंड क्वेश्चन था कि हमें फिर सर्टिफिकेट किस प्रकार से वहां पर यूज करना है, कहीं पर भी कैसे हम उसको बताएं कि भाई 7 साल हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीसीटी द्वारा आपके स्कोर कार्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 7 ईयर्स के लिए वैलिड हो गया है। नीचे की तरफ जो डिस्क्लेमर रहता है उसमें अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अपडेट आया है इसके बारे में आप जैसे ही सीपीसीटी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइलाइट्स में जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देखेंगे सीपीसीटी स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। मतलब जब से आपने डेट थी आपके एग्जाम की, जब आपने उसको पास आउट किया तब से आपका 7 साल के लिए ये वैलिड कर दिया गया है। अब इसको बात आती है सर मैं कैसे इसको डाउनलोड करूं स्कोर कार्ड को, तो आप इसको डाउनलोड करना है आपको एग्जिस्टिंग यूजर से। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट है इसलिए यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है ये ऑप्शन। जैसे ही यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर होता है स्टार्ट फिर से, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें सीपीसीटी के स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है और आगे की परीक्षाओं के लिए किस के प्रकार से प्रिपरेशन करना है इसके बारे में इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।